फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजिस्ट बख्तावर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत सा सिंपल एंड बहुत सा प्यारा टॉपिक है, वो है बायोग्राफी ऑफ जोहान ग्रेंगल मेंडल। तो फिर इस टॉपिक पे मैंने उनकी थोड़ी सी हल्की सी बायोग्राफी बताई हुई है, तो फिर चलते हैं अपनी टॉपिक की तरफ से। ग्रेंगल मेंडल को फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कि ये पैदा कहाँ हुए। ये जो पैदा हुए थे एम्पायर ऑफ ऑस्ट्रिया में, जो यूरोप की एक कंट्री है, और ये बिल्कुल पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इनका जो बाबा था, इनके जो फादर थे एंटोन मेंडल, वो चर्च के सामने उनकी थोड़ी सी ज़मीन थी जहाँ पर ये उनकी मदर और उनकी दो बहनें वहाँ पर फार्मर का काम करती थी। जब ये 11 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स ने इनको स्कूल में भेजा, ग्रामर स्कूल, जहाँ पर इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की 40 में इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट की। और फिर 2 साल के लिए इन्होंने फिलोसॉफी में एडमिशन लिया। और इनको जो सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पसंद था वो फिज़िक्स था, और ये वेरी गुड इन मैथमेटिक्स, को मैथमेटिक्स बहुत अच्छी आती थी। देन जब उन्होंने 2 साल का जो प्रोग्राम था वो पढ़ लिया, 1843 में इन्होंने अपनी स्टडी कंप्लीट कर ली। उसके बाद हायर स्टडीज़ के बाद ये जो है ना टीचर बनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने टीचर का टेस्ट भी दिया, फिर ये वाइवा में फेल हो गए। उसके बाद ये काफ़ी लोगों ने, जैसे हमें बेवजह लोग सजेशन देते रहते हैं, ऐसे ही इनको भी काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया कि आप जो है जो इंडस्ट्री में जाएं और अपनी डिग्री जो है कंप्लीट करके आएँ, जो आपने स्टडी की है आप उससे फर्दर स्टडी करें। तो फिर ये वैन यूनिवर्सिटी में गए और अपनी स्टडी वहाँ जाकर कंप्लीट की। उसके बाद ये गेव स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम, तब शायद स्कूल सर्टिफिकेट एग्ज़ाम लिया जाता था, तब जाके सर्टिफिकेट दिया जाता था। फिर ये वहाँ भी फेल हो गए तो ये बहुत डिसअपॉइंट हो गए, और फिर इन्होंने स्टडी भी छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया। ये चर्च ज्वाइन कर लिया, और वहाँ पर इन्होंने चर्च की जो दूसरी एक्टिविटीज़ थी उन्होंने उनमें पार्ट ले लिया। तभी इनका जो नेम है वो जाकर ग्रेगर पड़ा। यह वो चर्च जहाँ पर इन्होंने एक्टिविटी में हिस्सा लिया। नियर हिज चर्च देयर वॉज अ पी गार्डन, इनके चर्च के सामने ही एक पी गार्डन था, जो वहाँ ये जो है बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। सो उन्होंने वहाँ जो था पी प्लांट था, पी गार्डन था, सो ही स्टार्टेड रिसर्च ऑन पी प्लांट। तो फिर उन्होंने क्या देखा, उनके डिफरेंट कलर्स देखे, शेप्स देखे एंड साइज देखे कि किसी पी का जो है वो साइज़ बड़ा है, कलर डिफरेंट है, या ऐसे ऐसे उन्होंने चेंजिंग देखी। तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये जो है ना इन पे रिसर्च करेगा, और उन्होंने यही किया, उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट की पी प्लांट में। इन 1856 में ही स्टार्टेड हिज रिसर्च वर्क एंड 1863 ही कम्प्लीटेड हिज रिसर्च वर्क। मैं इंशाल्लाह जो है इस रिसर्च पर जो उन्होंने पी प्लांट पर की थी वो इंशाल्लाह उनका लेक्चर में अलग लेकर आऊँगी। फ़िलहाल जो है बायोग्राफी में ये बात आ जाती है कि उन्होंने 1856 में अपना रिसर्च वर्क किया था और 1863 में इन्होंने अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट किया था पी पर, ये देखें। उसके बाद जो है 8 फरवरी 1865 में, मतलब 2 सालों के बाद, इन्होंने अपना जो लेक्चर था, अपना फर्स्ट लेक्चर पी एक्सपेरिमेंट में, इन्होंने जो पी एक्सपेरिमेंट किया वो बर्न नेचुरल साइंस सोसाइटी में डिलीवर किया, वहाँ पर दिया। और इन 1866 में इस पेपर एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन पब्लिश्ड इन वॉल्यूम 4 ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ नेचुरल साइंस सोसाइटी में ये शाया हुआ। लेकिन बट बर्न नेचुरल साइंस सोसाइटी वालों ने इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो रिजेक्ट कर दिया। फिर ये डिसअपॉइंटेड हुए और इन्होंने अपना रिसर्च वर्क छोड़ दिया, और जो बाकी की लाइफ थी उन्होंने सोच लिया कि अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मैं जहाँ भी जाता हूँ फेल हो जाता हूँ। वाइवा में फेल हुआ, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट वाले एग्ज़ाम में फेल हुआ, उसके बाद अब यहाँ फिर से रिजेक्ट हो गया पी एक्सपेरिमेंट में। तो उन्होंने सोचा कि मैं सब कुछ बस छोड़ रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना, और इन्होंने जो बकाया अपनी लाइफ थी वो चर्च के लिए सर्व कर दी।
इनकी जो डेथ थी लास्ट में, बाकायत जो उनकी लाइफ थी वो तो चर्च में ही गुजर गई ड्यू टू हार्ट एंड किडनी फेलर. हार्ट अटैक भी हुआ था उनकी, क्योंकि हार्ट और किडनी भी उनकी फेल हो गई थी तभी उनकी डेथ हो गई थी. और उनकी डेथ हुई थी 6 जनवरी 1884 इन ऑस्ट्रिया इन एज 61 ईयर में. 61 ईयर के थे तब इनकी डेथ हो गई थी. 30 ईयर्स के बाद साइंटिस्ट ने सही कहा कि भाई मेंडल वाज राइट. मेंडल बिल्कुल सही था कि जो उन्होंने पी एक्सपेरिमेंट दिया था वो उस पर कि मेंडल बिल्कुल सही था. उनकी जो बात थी फिर उनको जाकर उनके काम का पूरा अप्रूवल मिला, लेकिन उनके मरने के बाद. खैर जो है जो है मेंडल, वैसे मेंडल की लाइफ से हमें एक सबक तो बहुत एक सबक तो मिलता है कि ये बंदा कितनी दफ़ा भी फेल हो गया. एक दफ़ा वाइवा में हो गया, समझो वो स्टडी में फेल हो गया, और जो कुछ बनना चाहता था उसमें भी फेल हो गया. और इसके बाद ये जो इन्होंने रिसर्च किया उसमें भी इनको फेल कर दिया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया था बन. मतलब उसके बाद भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी. और आज देखें, आज जेनेटिक्स में इनको फादर ऑफ